दोस्तों आप लोग की क्वेरीज थी कि सर हम लोग अगर ब्रिज स्ट्रक्चर के लिए जाना चाहते हैं, डैम स्ट्रक्चर के लिए जाना चाहते हैं या वाटर टैंक स्ट्रक्चर के लिए जाना चाहते हैं, इन सब स्ट्रक्चर में अगर मुझे जाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे प्रीफर करना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर, कुछ लोग को पाइपलाइन का डिजाइन करना है, ये सब अगर आपको डिजाइन करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उस सॉफ्टवेयर से आप कौन कौन सी जगहों पर जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एज यूजुअल आप ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और पहली बात तो जितने लोगों ने स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पे, लोगों को शेयर किया और फेसबुक पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही चैनल बहुत ज्यादा आप लोग की वजह से ग्रोथ हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया और नॉलेजेबल कंटेंट लेके आ रहा हूँ। डेफिनेटली आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा हमारे वीडियोस के थ्रू, और बाकी आपके पास भी नॉलेज था और ऐड हो गया तो अभी थोड़ा बढ़ रहा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों हम सब अभी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि मैंने पीछे किस एक वीडियो में बताया था कि केवल बिल्डिंग ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो काफी लोगों के दिमाग में आया कि यार फिर न्यू आइडिया क्या है। और बाकी लोगों ने पहले से भी सोच रखा था कि मुझे ब्रिज स्ट्रक्चर में जाना है, कुछ लोगों को ब्रिज में इंटरेस्ट रहता है और कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर मुझे डैम स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स बड़े बड़े डैम्स जो डिजाइन होते हैं या वाटर टैंक जो डिजाइन होते हैं या जो पाइपलाइन आजकल डिजाइन हो रही है, ये सारी चीजों के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे जिससे कि हमें फायदा हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज के लिए उससे अच्छा कोई अल्टीमेट सॉफ्टवेयर नहीं, दैट इज योर CSI ब्रिज। CSI ब्रिज इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, CSI कंपनी का, जिसे CSI का ETF आपने सुना होगा, तो CSI ब्रिज इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि उसके अलावा उसका कोई अल्टीमेट ही नहीं है। तो आपको अगर ब्रिज स्ट्रक्चर में जाना है तो आंख बंद करके आप CSI ब्रिज सॉफ्टवेयर सीख लेना, बट हाँ पहले आपको बेसिक ऑटोकैड जरूर आना चाहिए, ऑटोकैड के बाद ही CSI ब्रिज के लिए जाना। उसके बाद अगर आपको वाटर टैंक स्ट्रक्चर या डैम स्ट्रक्चर या पाइपलाइन स्ट्रक्चर के लिए जाना है तो फिर आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है SAP 2000। SAP 2000 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि CSI का ही है। इसके साथ फायदा यह है कि इसमें हर तरह के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की ग्रिड बना सकते हो और उसको डिजाइन कर सकते हो। ग्रिड मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा AutoCAD में ग्रिड, सॉरी रेबिट में ग्रिड पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ETFs में, और किसी ने अगर स्टैट प्रो सीखा उसमें, तो ग्रिड ही बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ग्रिड बन गया तो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये चीज SAP के अंदर बहुत ही इजी है। SAP में आप वाटर टैंक के लिए बहुत अच्छे अच्छे ग्रिड्स तैयार कर सकते हो, आप वो पाइपलाइंस के लिए, अभी मैंने पाइपलाइन के लिए एक डिजाइन किया था MIT के कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारी चीज पाइपलाइन के लिए अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसे बहुत इजिली आप डिजाइन कर सकते हो। और जिसने ETF सीखा है मैं उसको गारंटी साथ बोल सकता हूँ कि आप SAP सीख सकते हो, क्योंकि वो दोनों सॉफ्टवेयर लगभग लगभग काफी कॉम्प्लिकेशन चीजें सेम है, तो कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर आप SAP 2000 सीखते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके बाद एक थर्ड है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जाना है, मीन्स हाईवे डिजाइन करना है, मुझे रोड डिजाइन करना है, इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सीखो, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर होता है MX Road। MX Road सॉफ्टवेयर के लिए अगर आप जाते हो तो MX Road में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, मीन्स आपको प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे करना है रोड का, रोड को किस तरीके से उसको दिखाना है, विड्थ वगैरह कैसे दिखाना है, सारी चीज़ें हैं और बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। हाँ, आपको लगना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, बैठ के उसको थोड़े दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मीन्स 20 से 25 दिन तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप सोचते हो आज मैंने किया और कल मुझे आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इन सब सॉफ्टवेयर को सीख लेते हो, मीन्स अब देखो इसमें आप देखो कि मुझे किस में जाना है, अगर हाईवे में जाना है सिर्फ MX Road सीखो, अगर ब्रिज में जाना है CSI ब्रिज सीख लो, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यानी वाटर टैंक, डैम, रिजर्वायर, पाइपलाइन, ये सब सीखना है तो SAP 2000 इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, SAP जिसको बोलते हैं। एक SAP सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या बोलते हैं प्राइमेरा वगैरह का होता है ना SAP, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, SAP 2000 की बात कर रहा हूँ, वो SAP नहीं जिसमें हम लोग एस्टिमेट वगैरह करते हैं, मैनेजमेंट का भी एक SAP का सॉफ्टवेयर होता है, तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है वो तो नहीं है, नहीं, SAP एक सिविल इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है SAP 2000, उसको ही सीखना। अगर इन तीनों सॉफ्टवेयर में जो भी आपको सॉफ्टवेयर एक बार एक भी सीख लेना अगर अच्छे से तो आपकी जॉब पक्की है। मेक श्योर कर लेना कि उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे, कई लोगों ने मुझे बोला कि सर इसके लिए बुक्स कौन से प्रीफर करनी पड़ेगी, तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे इसका, क्योंकि मैं भी बिल्डिंग में काम ज्यादा कर रहा हूँ,
तो मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बट मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि उनसे मैं पहले बात करूंगा एक दिन मिलकर और उससे पूछूंगा कौन सी बुक तुम लोग प्रीफर कर रहे हो, जो बुक वो प्रीफर कर रहे होंगे वही बुक मैं आपको प्रीफर कराऊंगा। मेरी एक सेफ्टी है, मीन्स जब भी मैं कभी कोई चीज आपको रिफर करता हूँ तो पहले उस चीज को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको रिफर किया और आप उसको पैसे से खरीदते हो और आपका पैसा भी जाता है तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरी कोशिश रहती है। इसलिए मैं अभी आपको बुक नहीं बता सकता, थोड़ा सा वेट करो, लगभग एक आध हफ्ते में मैं आपको जल्दी ही वो वीडियो बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको पूछना क्वेश्चन जरूर पूछना, क्योंकि सबके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। कोई बात नहीं, अगर रिपीट क्वेश्चन है वो भी पूछ लो, इजी क्वेश्चन वो भी है, टफ है वो भी पूछ लो, बट क्वेश्चन जरूर पूछो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं तो एज यूजुअल प्लीज ज्यादा लोगों तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।